हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नोमेर्ज़ा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फेवरेट एप्लीकेशंस को, व्हाट्सअप, फेसबुक को या फिर किसी और एप्लीकेशन जो आपका फेवरेट है, जिसे आप बहुत बार यूज़ करते हैं, उसे आप नोटिफिकेशन बार में कैसे रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नोट करना है जिसका नाम है लॉन्चिफाई। इसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, ये एक एप्लीकेशन खुल जाएगा। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को खुलने के बाद आप देख सकते हैं इसकी 4.1 की रेटिंग है। चलिए अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा बड़ी एमबी की एप्लीकेशन नहीं है। फ्रेंड्स, ये 2 या 3 एमबी की एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल करके आप अपने फेवरेट्स ऐप्स को बहुत ही आसानी से आप नोटिफिकेशन बार में रख सकते हैं फ्रेंड, ताकि फिर उसका इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखते हैं, चलिए ये 2 सेकंड में हो जाएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ लेट गेट स्टार्टअप पर क्लिक करना है। ये कुछ परमिशन मांगेगा फ्रेंड्स, इसे आप ओके कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके करते हैं, यहाँ पर आपका दिखा देगा कि ये इसको ट्रैक करता है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पर से चाहिए कस्टम ऐप्स पर। कस्टम ऐप्स पर जाने के बाद आप जिस भी एप्लीकेशंस को अपने नोटिफिकेशन बार में रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, उस पर टिक आउट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल दैट मैं अपने फेसबुक को नोटिफिकेशन बार में रखना चाहता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने क्रोम को रखना चाहूँगा, ये क्रोम ऐड हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, मैं कैमरे को रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, और मुझे ब्लॉगर की ज़रूरत पड़ती है, मैं ब्लॉगर को भी रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जो सबके फेवरेट्स हैं व्हाट्सअप फ्रेंड्स, तो मैं यूट्यूब को भी रख लेता हूँ फ्रेंड्स साथ में। और साथ ही साथ मुझे अगर व्हाट्सअप मिल जाता है तो मैं व्हाट्सअप को भी अपने नोटिफिकेशन बार में रख लेता हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है। फ्रेंड्स, बैक आने के बाद आप जब यहाँ पर बैक करेंगे फ्रेंड्स और इस तरीके से नोटिफिकेशन खोलेंगे, तो देख सकते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ से आप अपने फेवरेट एप्लीकेशंस को बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट अगर मुझे अपना ब्लॉगर ओपन करना है या क्रोम ओपन करना है या यूट्यूब ओपन करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने किसी भी एप्लीकेशंस को अपने नोटिफिकेशन बार में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत, जय हिंद।